पीडीएफ है ये, तो ये पीडीएफ में हमारा मैटर रखा हुआ है। इस मैटर को हमको वेबसाइट में डालना है। तो मैटर का नाम या टाइटल हमारा क्या होने वाला है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। सॉइल साइंस का ये टॉपिक है। अब ये सॉइल साइंस का नोट्स है, इसमें आप देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का मैं टॉपिक डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं गया वेबसाइट पे, वेबसाइट में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको पोस्ट में क्लिक करना है। पोस्ट में क्लिक करने के बाद ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में आप क्लिक किए, एक मिनट आपको कर्सर से समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। मैंने ऐड न्यू पोस्ट में क्लिक किया। ऐड न्यू पोस्ट में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमको यहाँ पर एक टाइटल लिखने को आता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड टाइटल लिखा हुआ है। ऐड टाइटल में हमको जो है क्या करना है, ये देखिएगा। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब हम एक टाइटल करते हैं, मैंने कॉपी किया था उसको, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट देखे सॉइल साइंस लिख देता हूँ, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि सॉइल साइंस का ही ये टॉपिक है। अब हमको यहाँ पर एलिमेंट तो यूज़ नहीं करना है, सिंपल अपन ने टाइटल दिया। टाइटल के बाद अब अपने को मैटर लिखना है। मैटर लिखने से पहले हमको यहाँ पे ये जो मैटर है इनको कॉपी करना है। ऐसे एक कॉपी किया हमने हाइपोथेसिस तक, एक डेफिनेशन लिया, कॉपी कर दिया, यहाँ पर गए वेबसाइट में, वेबसाइट में पेस्ट कर दिया। ये आ गया हमारा वेबसाइट में पेस्ट। अब हमको यहाँ से इसको बैक स्पेस देना है, इसको पूरा कंप्लीट लिखना है। कंप्लीट कर दिए, कंप्लीट करने के बाद आप देख लेना स्पेलिंग वगैरह कुछ होगा तो ये मिस्टेक तो नहीं है, तो ये मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग्स जो है वो ऐसे दिखाता है आपको, इसको इग्नोर कर देना है। अब ये जो लाइन है हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे का हमको क्या लिखना है ये देखिएगा। हम पीडीएफ में गए फिर से, यहाँ पर हाइपोथेसिस को कॉपी किए और इस कॉपी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर गए बैक स्पेस दिए और इसको ऐसे कर दिए हमने स्पेस दे करके। तो इस तरीके से आपको लिख के जाना है। फिर हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद फिर हम पीपीटी में गए, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है एक अकॉर्डिंग टू न्यूबलर हाइपोथेसिस, वो क्या कहता है। ये चार पॉइंट दिया हुआ है, चार पॉइंट को हमने कॉपी कर दिया और इस वेबसाइट में पेस्ट कर दिया। देखिए चारों पॉइंट आ गया। अब हमको मेन क्या करना है, सबसे पहले में हमको लिख देना है डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशन करने के बाद यहाँ पर डबल कॉमा दे दिए, यहाँ से डेफिनेशन हमारा स्टार्ट। डेफिनेशन जो लिखे हम लोग इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि समझ में आए। और डेफिनेशन को आप चाहो तो पैराग्राफ यहाँ पर चार सिलेक्ट कर दी, हेडिंग पैराग्राफ चार, ठीक है। डेफिनेशन बस को करना था, हम इंटर मार देते हैं। इंटर मारने के बाद ये जो हमारा पैराग्राफ बना है इसको हम हेडिंग बना है इसको पैराग्राफ में कर देते हैं। सिर्फ ये आपका पैराग्राफ में रहेगा, आपको याद रखना है जो हेडिंग रहेगा हेडिंग को ही आपको यहाँ पर पैराग्राफ देना है, सॉरी पैराग्राफ नहीं हेडिंग देना है आपको, हेडिंग देना है एक, बाकी सारी चीज़ें पैराग्राफ में रहेगी, देख सकते हो आप सब पैराग्राफ में। अब यहाँ पर आता है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर हाइपोथेसिस, इसको अपन ने बैक मारा और ये अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर हाइपोथेसिस को हमको देना है हेडिंग, चार नंबर का हेडिंग दे देते हैं और स्पेस दे देते हैं, सॉरी स्पेस देने से गड़बड़ हो गया। अब फिर से हम इसको कंट्रोल जेड करके इसको वापस ले लेते हैं, वो जो भी गलती की है ये हमारा इस तरीके से रहेगा। इसको हम चाहे तो कलर भी दे देते हैं रेड, ठीक है। इस तरीके से कलर दे दिए, डेफिनेशन को भी हमने कलर दे दिया। अब ये हमारा चार पॉइंट बना। चार पॉइंट में पहला है बोल, पहले पॉइंट के बाद डॉट लगा दिए, इसके बाद ये गैस जो लिखा है इसको बैक स्पेस दे के इस तरफ ला लिए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये है दूसरा, इसमें डॉट दिए, इट वाज इंटेंसली मोशन। उसके बाद तीसरा है, इसमें भी डॉट दे दिए। फिर उसके बाद इस लेयर को हमको बैक स्पेस दे के मिला लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वो ख़त्म होता है आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये डॉट लगा देना। लेकिन जहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म नहीं होता उसको पूरा करना है, इसको यहाँ तक लेना है, इस कॉर्नर तक के आपको लेना है, मतलब ये पूरा जो एरिया है इसको आना चाहिए, इतने में आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमको इसमें मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है,
रेस इरेज कर देते हैं इसको थोड़ा, अब समझाते हैं आपको। चलिए तीसरा जो था इसको भी बैक स्पेस दे के मिला लेता हूँ मैं, मिला लिए हम लोग। ये चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट के बाद डॉट दे दिए, फिर ये हमारा आ गया। अब देखते हैं क्या छूटा हमारा, सन, सन यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक छूटा हुआ है। अब आते हैं स्पीयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारा जो ये वो ये जो हमारा आर्टिकल बना है ये कितने वर्ड का बना है, यहाँ पर दिखा है वर्ड काउंट 136 और मैंने कहा है 300 से 400 वर्ड रहना। 136 को आगे और बढ़ाते हैं और यहाँ पर स्पीयर्स ऑफ अर्थ को भी कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपन ने पेस्ट कर दिए स्पीयर्स ऑफ अर्थ, स्पीयर्स ऑफ अर्थ के बाद डॉ मैंने दे दिया स्पेस और इसको हमने कर दिया हेडिंग 4। हेडिंग 4 करने के बाद ये जो आपका जियोग्राफिकल ये सब है, यहाँ पर क्लिक करके डिलीट बटन दबाओगे तो ऊपर चढ़ जाएगा ये, ठीक है, याद रखना आपको। डिलीट दबाओगे तो ऊपर आ जाएगा ये, लेकिन ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा। इस तरीके से आप इसको सही कर लो। अब ये हो गया, आपने स्पीयर्स ऑफ अर्थ को भी आपने रेड कलर दे दिया क्योंकि ये हेडिंग है और इसको हेडिंग 4 में रख दिया हम लोग। अब ये इस लाइन को पूरा कर लीजिए सॉलिड के बाद बैटिंग बैक स्पेस मारे, इसको पूरा कंप्लीट किए। यहाँ पे भी थोड़ा सा बैक स्पेस मारे, ये भी इधर चढ़ गया, इधर कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया स्पीयर्स ऑफ अर्थ। अब आगे देखते हैं एटमोसफियर, एटमोसफियर क्या होता है, इसको हमने कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिए, फिर यहाँ पर ऑफ के आगे डाले बैक स्पेस मारे और इसको पूरा कर दिए कंप्लीट। फिर मॉड्यूल के बाद भी इसमें कंप्लीट कर दिए हम लोग बैक स्पेस मार के, फॉक को भी हम लोग यहाँ पर बैक स्पेस मार के कंप्लीट कर दिए, ठीक है। हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चेक कर लेता हूँ, चल रहा है। 7 मिनट हो चुका है, कितना हो गया 250 वर्ड। 250 वर्ड के बाद आगे गए और ये एंड टू ये सबको कॉपी कर लेते हैं हमारा और इस तरीके से आप पेस्ट कर दिए, ठीक है। और ये सबको हम लोग दे देते हैं एक हेडिंग, हेडिंग 4 और यहाँ से बैक स्पेस मारे, फिर देखते हैं हमारे को 350 से 400 वर्ड करना है। इसको देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिए। वाटर के आगे बैक स्पेस मार के इसको कंप्लीट कर दिया, लेस के आगे मैंने बैक स्पेस मार के कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर टाइम जो है, टाइम के आगे डॉट लगा, एयर से हमको नीचे ले लेना है, एयर हमारा नीचे टॉपिक में आएगा, अर्थ के बाद हमको डॉट लगा देना, ठीक है। वर्ड हमारा हो गया 280। अब आगे गए हाइड्रोस्फीयर को भी हम लोग पूरा 6 पॉइंट को इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारा जो वर्ड है देख सकते हैं 350 वर्ड का हो गया, ये 350 से 400 वर्ड का रहना चाहिए। हाइड्रोस्फीयर के आगे हमने बैक स्पेस डिलीट और हाइड्रोस्फीयर का हम लोग पैराग्राफ दे देते हैं 4 नंबर का, ठीक है। रेड कर देते हैं इसको हेडिंग को, ये हो गया हमारा पोस्ट। अब इस पोस्ट के आगे बस इतना ही है, पोस्ट में लिखना है रीडेबिलिटी को ध्यान रखना है, रीडेबिलिटी हमारा येलो या फिर ग्रीन होना चाहिए। दोस्तों ये मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है यहाँ पर देख लीजिएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया, देखिए आप पेस्ट करने के बाद हमारा ये ग्रीन हो चुका है। ये वर्ड ज़्यादा नहीं, इतना ही चलेगा, इतना ही रहेगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखो ऊपर ये आ गया एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, तो बाहर से ही देख के समझ जाएगा कि पोस्ट में क्या लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद ये वाले टॉपिक को क्लोज करो। अब हम इधर आते हैं, इधर ध्यान दीजिए इस तरफ, यहाँ पर ये जो है सेंड को क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक है, देखो यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पब्लिश, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। अगर आप काम को पब्लिश नहीं करोगे तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करते जाना, आपको सेव ड्राफ्ट में रख सकते हो, बाद में पब्लिश हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। नीचे आने के बाद आपको ऑल कैटेगरी दिख रहा है हमारे वेबसाइट की, बहुत सारी कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी से पोस्ट लिख रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर हम आर्टिकल्स में पोस्ट लिखते हैं, आर्टिकल्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा आर्टिकल जनरल एग्रीकल्चर से है तो उसको भी क्लिक करो, अगर हमारा आर्टिकल हॉर्टिकल्चर से है तो उसको क्लिक करो, इसको हटा दो,
हमारा आर्टिकल जो है वो जनरल एग्रीकल्चर से था। जनरल एग्रीकल्चर को क्लिक किया मैंने, बस इतना ही करना है आपको। अब टैग में आ जाओ। टैग में आने के बाद हमने देख लिया सॉइल साइंस से रिलेटेड हमारा पोस्ट है, तो हम सॉइल साइंस पहले टाइप सॉइल साइंस GRF टैग मारेंगे, उसके बाद टैग के बाद इंटर दबा दिए, टैग हो गया, लग गया। अब हम लिखेंगे सॉइल अर्थ, सॉरी गलत हो रहा है, अर्थ क्रस्ट, इसको भी इंटर मारे, ये भी आ गया हमारा। अब उसके बाद हम देखेंगे सॉइल साइंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये भी मैंने मार दिया। अब और क्या मार सकते हैं हम इससे रिलेटेड, अब यहीं से भी टैग ले सकते हो, जैसे हाइड्रोस्फीयर, यहाँ से ऐसे कॉपी मार लिए, कंट्रोल सी कर लिए, टैग में गए और पेस्ट कर दिए, इसको ऐड कर दिए, ये भी हमारा एक टैग हो गया। अब हम गए यहाँ पर एटमोस्फियर को थोड़ा सा यहाँ पर दबाए किलोमीटर तक के, यहाँ पर कॉपी किए, यहाँ पर कॉपी करने के बाद हमने टैग में गए और इसको पेस्ट कर दिए, आ गया ये भी टैग। अब यहाँ पर एक तो चीज़ गड़बड़ हो चुकी है, एटमोस्फियर को बैक देना है, सॉरी इंटर मारना, इंटर मारने के बाद एटमोस्फियर को हमको थोड़ा सा हेडिंग देना, चार हेडिंग दे दिए क्योंकि ये छूट चुका था, इसको भी रेड दे दिए। ओके, अब हमारा ये भी कैटेगरी भी हो गया, टैग भी हो गया, फीचर्स इमेज, अब हमको फीचर्स इमेज बनाना है, ठीक है। फीचर्स इमेज क्या होगा ये देखिएगा, यहाँ पर मैं जैसे ही फीचर इमेज में क्लिक करता हूँ तो मेरे को दो ऑप्शन देता है, एक तो देता है मीडिया लाइब्रेरी, जो मेरे मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो फ़ोटो है उनको डाल सकते हो आप, है ना, और एक है अपलोड फाइल। अपलोड फाइल में आपको सिलेक्ट फाइल करना है, जाना है, आपने जो भी फाइल आपके डेस्कटॉप में रखा है उसको आपको यहाँ पर अपलोड मारना है। तो ये मैं गया, देखिए ये ओपन हो रहा है, अभी आपको कंप्यूटर फाइल में बोल रहा है कहाँ है आपका डाटा, ये बताओ। डेस्कटॉप में मैं गया, डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ रखा हूँ, आप जो भी टॉपिक लोगे उससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ आपको रखना है, उस फोटोग्राफ को आप यहाँ पर खोजेंगे। मैं वेबसाइट पिक्स ले लेता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है सॉइल का एक फ़ोटो लेना है मेरे को, सॉइल का फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ, कहीं पर तो होगा, ये सॉइल का फ़ोटो है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक मार देता हूँ, डबल क्लिक मारने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो, ठीक है, ये ओपन हो गया। और जो इसकी साइज है, इसकी साइज को आपको मेंटेन करना है, इसकी साइज क्या होगी 420 360, ठीक है। और ये 420 360 कैसे होगी ये देख लीजिए, 420 360 करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट, हमारा जो पिक्चर्स है वो कहाँ था मुझे नहीं मिल रहा है, वेबसाइट पिक्स का ये, ठीक है, वेबसाइट पिक में गया मैं, यहाँ पर जो सॉइल साइंस का जो मैंने फ़ोटो लिया था ये वाला, इसको मैं गया ओपन कैम ओपन करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा लेट हो रहा है, ये देखिए ये ओपन हो गया। ओपन करने के बाद हमको इसको ओपन विथ में जाना है, ओपन विथ में पेंट में जाना है, पेंट में जाने के बाद हम इसको पेंट आपको रखना है आपके लैपटॉप में, तभी आपको समझ में आएगा। पेंट में गए, ये इमेज आ गया, अब कुछ नहीं करना है आपको, इस इमेज को रीसाइज में जाना है, रीसाइज में जाने के बाद पिक्सल क्लिक करना है, जस्ट पिक्सल क्लिक करोगे, उसके बाद मेंटेन एक्सपेक्टेड रेशियो को दबाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अनक्लिक कर लो पहले, तो यहाँ पर 420 ऊपर में हॉरिजेंटल और 360 आपका वर्टिकल, ओके कर लिए। अब देखो ये इमेज का साइज बड़ा हो चुका है ना, बड़ा होने के बाद इसको जैसे का तैसा सेव मार दिए। अब हम जाते हैं वेबसाइट में, वेबसाइट में हमारा ये गलत साइज़ का फ़ोटो अपलोड हो गया था, फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ ये फ़ोटो को। मैं गया सिलेक्ट फाइल में, ये सिलेक्ट फाइल में मेरे को सीधा यहाँ ला लिया। अब मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, अपलोड मार देता हूँ। अब इसकी साइज़ जो है 420 और 360 होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो 420 और 360 क्लियर कट आपको दिख रहा है, 420 और 360 ये क्लियर कट हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सेट फीचर इमेज में कर देना, सेट फीचर इमेज में कर ली, अब ये इमेज खुल जाएगा, यहाँ पर देखो ये खुल गया इमेज। अब इसी इमेज को आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीच में भी आप इमेज डाल सकते हो, जैसे ये अर्थ के बाद मैंने एक इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। ऐड इमेज, ऐड मीडिया, ऐड मीडिया में गया, मीडिया लाइब्रेरी खुल रहा है मेरा,
इंडिया लाइब्रेरी में देखता हूँ मैं, कुछ अच्छा कुछ होगा तो डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने ये डाल दिया, ये इंसर्ट मार दिया, ये यहाँ पर मस्त क्लिक हो गया। ठीक है, अब ये इमेज हमको दिखेगा, हो गया। अब ऑलरेडी हमारा पोस्ट का सारा काम हो चुका है। अब हमको पब्लिश में क्लिक करना है, ये पब्लिश का बटन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर दबा दिए पब्लिश। आप पब्लिश होने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो पोस्ट है वो किस तरीके से होगा। इस बार भी 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो हो गया, मतलब टोटल 20 मिनट का वीडियो बनने वाला है दोस्त। कोई नहीं, आपको समझ तो आ रहा है। उसके बाद में आप ये देखिए, हमारा जो पोस्ट है ये तैयार हो गया। ठीक है, मतलब अपडेट का ऑप्शन आ गया, मतलब ये पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा एक लिंक जनरेट हुआ, इस लिंक को हम लोग कॉपी लिंक एड्रेस करके कहीं भी पेस्ट ही कहीं भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको शेयर नहीं करना है, हम इस पोस्ट का व्यू पोस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक आपको दिख रहा होगा व्यू पोस्ट आपको दिख रहा है। इस व्यू पोस्ट को हमें क्या कर दिया है, देखते हैं व्यू पोस्ट कैसा है हमारा। ओपन कर लिया मैंने, अब देखता हूँ मेरा व्यू पोस्ट कैसे आएगा। ये देखो, शानदार पोस्ट तैयार हो चुका है। ये पहला हमारा जो फीचर इमेज डाले थे वो आ चुका है, धीरे धीरे खुल रहा है ना। नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और ये देखो, हमारा टॉपिक का नाम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ सॉइल साइंस यहाँ पर आ गया, डेफिनेशन द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन अर्थ कस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, हमने जैसा लिखा था वैसा आ गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूबलर थ्योरी आ गई हमारी। इसके बाद यहाँ पर एटमोसफियर में कितने परसेंट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन 78%, ये सब आ गया। एक हमारा इमेज डाले थे वो भी आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक था हाइड्रोस्फीयर का, वो भी आ गया। ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट में आ गई। 350 वर्ड का ये पोस्ट था। इसी तरीके से आपको पोस्ट लिखते जाना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप इस पोस्ट को तो पब्लिश कर चुके हो, और इस पोस्ट का अगर आपको लिंक चाहिए तो यहाँ पर आप गूगल के ऊपर में ही आप यहाँ पर लिंक दिया है उसका कॉपी करें और आप कहीं भी पेस्ट करें। देखो, मैं इस लिंक को यहाँ पर डालता हूँ, ये लिंक को पेस्ट करता हूँ। ये लिंक को मैंने पेस्ट किया, सॉरी गलत हो गया, इस तरीके से गया मैं। और ये क्या क्या आ गया है, सब गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो लिंक मिला हुआ है उस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। ये लिंक हो गया हमारा। ठीक है, ये पोस्ट में लास्ट में आपको ये कर देना, आप कंट्रोल ए दबाएंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद यहाँ पर आपको एक ये जस्टिफाई का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पर जस्टिफाई शिफ्ट अलर्ट और जे, इसको भी दबा सकते हो आप। यहाँ पर एक बार दबा देंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो जाती है। जस्टिफाई कर लिया, पब्लिक हमारा पोस्ट हो गया। अपडेट मारना ज़रूरी है इसको, जो भी काम करोगे इसके बाद अपडेट मार देना ज़रूर, तभी सुधर में आएगा। ये अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जो लिंक है वो भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये लिंक है, इसको हमको कॉपी करना है।